उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी का 2 दिवसीय विस्तारक वर्ग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रामनगर में चिंतन बैठक के बाद पन्ना प्रमुख से प्रधानमंत्री की रैली तक के कार्यक्रम तय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। यात्रा 17, 18 और 19 अगस्त में नारसन बॉर्डर से होकर देहरादून हरिद्वार में प्रवेश करेगी। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 और 21 अगस्त को देहरादून के साथ हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां सैनिक संवाद और संतों से आशीर्वाद कार्यक्रम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर एक मजबूत संगठन बीजेपी के पास है। संगठन कार्यकर्ता कार्यक्रम के माध्यम से जनता के सामने सरकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर पहुंचेंगे। मदन कौशिक ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री का बड़ा लाभ चुनावी दृष्टि से पार्टी को मिलेगा। काशीपुर से अतुल तिवारी की रिपोर्ट। हौसला बढ़ाना, जागरूकता पैदा करना, उनको हॉस्पिटल ले जाना, उसकी व्यवस्था करना इत्यादि सारा काम करेंगे। और साथ साथ हमारे पास एक 25,000 का बहुत बड़ा चुनाव की दृष्टि से बैकअप भी होगा कार्यक्रम। इसी प्रकार से अभी इसी महीने हमारे जो केंद्रीय मंत्री बने राज्य से जन आशीर्वाद यात्रा, वो भी राज्य में 17, 18, 19 वो यात्रा दिल्ली यात्रा हम लोग कर रहे हैं।